सोलन में जिला पत्रकार संघ द्वारा 5 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जिला सोलन के करीब 40 पत्रकार बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के चौथे दिन ब्लड बैंक के चेयरमैन भाजपा जिला कार्यकारी अध्यक्ष पवन गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं उनके साथ जिला परिषद पूर्व अध्यक्ष कुमारी शीला और भाजुमा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भर साहनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। एकल प्रतियोगिता में संजय हिंदवान और मोहन चौहान के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिला। एकल प्रतियोगिता में संजय हिंदवान ने शुरुआत से ही बढ़त बना ली थी, जिसे मोहन चौहान वेद पाने में कामयाब नहीं हो पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा और संजय हिंदवान एकल प्रतियोगिता में फिर से चैंपियन बने। इस मौके पर भाजपा जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि पत्रकार दिन रात कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन इस तरह की प्रतियोगिताएं उन्हें मानसिक तनाव से मुक्त करने में सहायक है, इसीलिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में सभी पत्रकार मंझे हुए खिलाड़ियों की तरह अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सभी पत्रकार खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उनके मंगल भविष्य की कामना भी की। मेरा मानना है कि समाज में चौथा पिलर जिसको कहा जाता है पत्रकार बंधु, और सोलन का जो पत्रकार मीडिया जो है वो बुद्धिजीवी मीडिया, और इनके द्वारा लगातार पत्रकारिता के अलावा और जो एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, क्रिकेट के मैच और ये बैडमिंटन का मैच आज जो खेला जा रहा है, इसका टूर्नामेंट आयोजित किया है। मैं पूरी मीडिया, सोलन की मीडिया को, पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरीके का खेल का प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि ये किसी प्रोफेशनल खिलाड़ियों से कम नहीं है। और मेरा मानना है कि एक पत्रकारिता जो पेशा है वो बहुत प्रेशर का एक पेशा है, और अपने प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए लगातार इस तरीके के खेल आयोजन करना इनकी प्रतिभाओं को निखारता है। और अभी मैंने जो मैच देखा है उसमें जिस तरीके से पत्रकार बंधु आपस में मैच खेल रहे थे, खेल की भावना से खेल रहे थे और साथ में जीतने के जज्बे के साथ खेल रहे थे।